हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G ओनर्स को वन यू आई 4 अपडेट करने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। आइए ये सब वीडियो में जानते हैं। तो सैमसंग कम्युनिटी फोरम पे मल्टीपल्स रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगी जो गैलेक्सी A52s 5G ओनर्स द्वारा पोस्ट करी जा रही है कि जब से उन्होंने एंड्रॉयड 12 बेस्ड वन यू आई 4 को अपडेट करा है, उनका परफॉर्मेंस फोन का खराब हो चुका है और उनको रेंजेस ऑफ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनका कैमरा परफॉर्मेंस खराब हो गया, ऑटो ब्राइटनेस में दिक्कत आ रही, प्रॉक्सिमेट सेंसर की दिक्कत आ रही, कॉलिंग के दौरान हाई बैटरी ड्रेनेज की भी समस्या आ रही है। इसी तरह से एक यूजर है वंश, जिन्होंने कहा है कि उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और दिक्कतें ये सब है कि ऐप ड्रॉयर में उनको प्रॉब्लम है, उनका बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, साइड पैनल्स भी उनके गायब हो जाते हैं, एनिमेशन उनका बहुत स्लो चल रहा है, टाइपिंग साउंड जो है वो बार बार बदलती रहती है, ब्राइटनेस इनकी बढ़ती है और घटती है, और जब वो रिफ्रेश रेट को सेटिंग्स में सर्च करते हैं तो कुछ भी उनको नहीं दिखाई पड़ता है, चार्जिंग जैसे ही वो कनेक्ट करते हैं स्क्रीन जो है इनकी बंद हो जाती है, उसी के साथ इनका जो चार्जिंग एनिमेशन है वो भी बहुत स्लो काम कर रहा है, ये दिक्कतें हैं। इसी तरह से एक और यूजर है जिन्होंने कहा है कि ये अपडेट करने के बाद उनका कैमरा सही से काम नहीं कर रहा है, फोन हैंग बहुत हो रहा है और बैटरी ड्रेनेज उनका बहुत फास्ट हो गया है। आगे बढ़ने से दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने स्मार्टफोन की OTA अपडेट की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो इतनी सारी दिक्कतों के साथ इससे बड़ी दिक्कत फ्रस्ट्रेटिंग इशू ये भी है कि सैमसंग गैलेक्सी A52 5G ओनर्स को इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक सैमसंग ने कोई भी बग फिक्स अपडेट अपना नहीं निकाला है। और उससे बड़ी बात, इन्होंने जो मंथली अपडेट आना था वो भी इन्होंने स्किप कर दिया है, तो फोन अब आपका मार्च की बजाय जनवरी 22 के अपडेट पे ही काम करेगा। तो इससे एक बात तो ये क्लियर होती है कि जब इसका बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम हुआ था सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G का वन यू आई 4, तो वो ढंग से नहीं करा गया था वरना ये सारी दिक्कतें नहीं आती। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G के ओनर हैं और अभी भी आप वन यू आई 3 पे रन कर रहे हैं तो मेरी एडवाइस यही होगी कि इसको यू आई 4 पे अपडेट मत करें। सैमसंग ने अभी तक इस दिक्कत को एक्नोलेज नहीं करा है, ना ही कोई कमेंट करा है। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।